आज नोएडा मेट्रो द्वारा जो नोएडा शहर में ट्रेन के सफल संचालन की यात्रा एक वर्ष पहले शुरू की गई, आज उसका पहला वर्ष है जब ये यात्रा पहले वर्ष को ख़त्म करकर दूसरे वर्ष की ओर बढ़ी है। इस अवसर पर सबसे पहले एनएमआरसी परिवार के समस्त अधिकारियों समस्त कर्मचारियों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निश्चय ही आज सभी के लिए बड़ा खुशी का दिन है और जो सपना एनएमआरसी की स्थापना में देखा गया कि शहर में मेट्रो दौड़ेगी और एनएमआरसी के द्वारा उसका सफल संचालन किया जाएगा, तो आप सभी लोग इस परिवार का हिस्सा हैं। आप सभी लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही ये पूरा एक वर्ष एनएमआरसी के लिए बहुत ही सफल रहा। हमारी राइडरशिप जो लगभग मुझे लगता है 15,000 या 10,000 से शुरुआत हुई, आज पीक डेज में 30,000 टच कर रही है और निश्चित ही इसका भी श्रेय आप सभी लोगों को जाता है। बिना व्यवधान के, बिना कोई मेजर इंसिडेंट्स हुए, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ पंचुअलिटी, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ कस्टमर सर्विस के साथ आप सभी लोगों ने कार्य किया। हमारे चाहे हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, या हमारे जो ट्रेन्स पे विभिन्न स्टेशंस पे जो लोग काम कर रहे हैं, तो सभी ने मिलके ये यात्रा बहुत ही अभी तक सुखद बनाई है और मुझे उम्मीद है कि हम सभी लोग मिलकर एक टीम की तरह अगर ऐसे ही आगे काम करते रहें तो ये यात्रा और सुखद होगी। आने वाला समय हम सभी के लिए और चैलेंजिंग है क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट शुरुआत होती है तो उसमें बहुत सारे फंड्स भी रहते हैं, बहुत सारा सपोर्ट भी रहता है, लेकिन भविष्य में हम सभी लोगों को ये प्रयास करना है, उद्देश्य ये होना चाहिए कि कैसे इस मेट्रो को, कैसे एनएमआरसी को ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ सस्टेनेबल बनाना है, बाहर के फंड्स पे कैसे हम लोग की डिपेंडेंस कम से कम हो। इस ट्रेन सफ़र को जो आगे आने वाला लिंक है, जो अभी हाल में ही हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदन, जिसकी डीपीआर का अनुमोदन हुआ है, लगभग 2500 करोड़ की ये जो अगला प्रोजेक्ट है जो हम लोग, मुझे उम्मीद है, अप्रैल में शुरू करने जा रहे हैं और इस यात्रा को नोएडा के और स्टेशन पे आगे लेके जाएगी और जो हमारा पहला लिंक है उसको भी बेहतर वो सफलता देगी, क्योंकि जब तक एंड टू एंड कनेक्टिविटी नहीं होगी तब तक कोई भी मेट्रो लिंक सफल नहीं हो पाएगा। तो वो भी एक हम लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है कि कैसे उसको हम लोग समयबद्ध तरीके से बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के साथ उसको कैसे हम लोग बनाएं, कैसे भविष्य में उसका संचालन करेंगे। और उससे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए ये है कि जो अभी हमारा पहला लिंक, जो पहली एक्वा लाइन खुली है, कैसे उसको बेहतर सस्टेनेबल किया जाए। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, सिटीजन्स की सुविधाएँ और बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आज इस ओकेजन पर सभी लोगों से ये अपील करूंगी कि हमारा जो फील्ड स्टाफ है, हमारा जो ट्रेन्स पे जितने भी ऑफिसर्स, हमारा स्टाफ पोस्टेड है, उनका एक बहुत बड़ा योगदान आज तक की यात्रा में रहा है और आगे की यात्रा में भी रहेगा, क्योंकि जो सर्विसेज आप लोग डिलीवर कर रहे हैं वही सर्विसेज आगे निश्चित करेंगी कि कितने लोग नोएडा के, कितने लोग या नोएडा से में बाहर से आने वाले कितने लोग इस मेट्रो की सेवा का आनंद उठाते हैं। तो हम लोग बेहतर तरीके से उन तक पहुंच पाएँ, जो हमारी सेवाएं हैं वो कम से कम उनमें आगे भी व्यवधान हो, हमारी पंक्चुअलिटी और बेहतर रहे, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, सर्विस स्टैंडर्ड्स हैं, वो ना केवल हम लोग नोएडा के परिप्रेक्ष्य में, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों की ये कोशिश होनी चाहिए कि उससे बेहतर सर्विस स्टैंडर्ड्स कहीं ना हों। आप सब जानते हैं कि हम लोग जब भी किसी किसी भी क्षेत्र में कोई भी काम करता है तो उसकी एक पहचान, वो कहाँ काम कर रहा है उससे सबसे बड़ी पहचान होती है। तो मुझे ये लगता है कि हम लोग जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर रही है, अपने आप में एक ब्रांड नेम है, तो ये हम सभी के लिए एक बड़े गर्व की बात होती है। हमारे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी ऑफिसर्स हैं जो डीएमआरसी से एनएमआरसी में, डेपुटेशन में या विभिन्न माध्यमों से यहाँ सर्व करते रहे हैं। तो डीएमआरसी का आज मेट्रो ऑपरेशंस में पूरे देश भर में एक अलग नाम है। एनएमआरसी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, लेकिन हम सभी लोगों का ये सपना होना चाहिए कि जो आज स्थान डीएमआरसी का है, आने वाले वर्षों में वो नहीं, उससे और ऊंचा स्थान एनएमआरसी को प्राप्त हो। तो हम सभी को जब तक
ये टीम जो आज यहाँ है, क्योंकि ये हमारी पहली टीम है जिसने इन ऑपरेशंस को अच्छे से संचालित किया है। हम सभी लोग जब तक ये सपना लेके नहीं चलेंगे तब तक वो सफल नहीं हो पाएगा। और आप सभी लोग नोएडा में हैं, एनएमआरसी में काम कर रहे हैं। नोएडा अपने आप में उत्तर प्रदेश का एक सबसे अग्रणी शहर है, सबसे अग्रणी जगह है जहाँ आप लोग रहकर यहाँ के लोगों का और आसपास के लोगों को सर्विस देने का आप लोगों को मौका मिल रहा है। तो पुनः ये अपील रहेगी कि ये जो यात्रा शुरू हुई है ये केवल एक शुरुआत है, हम सभी लोगों को आगे मिलके बहुत बढ़ना है। आज बहुत ही हर्ष का ये भी विषय है कि पहले स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ शायद कल परफॉर्म हुई जिसमें मुझे बताया गया लगभग 350 लोगों ने प्रतिभाग किया। विनर्स और प्राइजेस कुछ ही हैं लेकिन जिसने भी पार्टिसिपेट किया अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सभी पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत बधाई। और जिस स्टैंडर्ड का मैंने स्पोर्ट्स एक्टिविटीज अटेंड नहीं की लेकिन आज कल्चरल प्रोग्राम में जो अभी तक परफॉर्मेंसेज हुए हैं निश्चय ही देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कल्चरल परफॉर्मेंसेज यहाँ हुए हैं, चाहे हमारे जितने भी डांसेस हुए हैं, हमारे जितने भी एक्ट्स हुए हैं तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। मेरी सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इन सभी परफॉर्मेंसेज से ये स्पष्ट है कि हम सभी के बीच में ऐसे लोग हैं जिनमें टैलेंट की कमी नहीं है। तो अपने काम के साथ साथ आप इन चीज़ों पर भी ध्यान दें तो निश्चय ही एक बेहतर पर्सनैलिटी निखर के आएगी और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भी जो क्वालिटी लेवल है वो डेफिनेटली बेहतर होगा। जैसा मंच से अभी डिमांड भी आई है और इसमें कोई हर्ज नहीं है, लोगों को जिस भी विधा में ज्ञान लेना चाहे, चाहे कल्चरल है और इवन जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं उसमें आगे कैसे हमारे अपने ऑफिसर्स हमारे कार्मिकों को बढ़ावा दिया जाए, तो एक कमिटी गठित करके क्या क्या फैसिलिटीज़ हम लोग बेटर अपने यहाँ पे जहाँ हमारे आवास हैं वहाँ दे सकते हैं या कहीं और दे सकते हैं उसके बारे में एक रिकमेंडेशन दी जाए ताकि उसको हम लोग और बेहतर कर पाएँ, ताकि जो टैलेंट इनहाउस है उसको ना केवल यहीं तक सीमित रखा जाए जितनी हमारी अच्छी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, ना केवल अपने अंदर बट उनमें आपस में बहुत सारे कॉम्पिटिशन विभिन्न स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे होते रहते हैं। तो ये अभी पहला वर्ष है तो ये यहीं तक सीमित रखा गया है। आगे हम लोगों का टारगेट ये होना चाहिए कि एनएमआरसी से बाहर निकल के और कॉम्पिटिशन्स में भी हमारे ऑफिसर्स हमारा स्टाफ जाए। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए जो भी कमियां हैं वो हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं उसका भी आकलन कर लिया जाए। पुनः सभी लोगों को आज के दिवस की और अभी तक की यात्रा में जो सभी लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं।